पटना से, जो ओयो एक कंपनी है, जो एजेंट है, बुकिंग एजेंट है, और जिस तरह से पूरे भारत ने एक बहुत बड़े फ्रॉड कर रही है, सब जगह से होटल मालिकों का फ्रॉड करके इन्होंने पैसा काफी हड़प लिया, और पटना में भी हम तमाम होटलों को लगभग 100 के करीब होटल इनके साथ एजेंट दलाल बने हुए हैं, और 100 होटल के साथ मिलकर के लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक एक होटल के साथ 1-1 करोड़ रुपया तक इन्होंने रख लिया एक एक होटल में, और ये हमेशा कहते हैं कि हम आकर के हम हिसाब कर लेंगे, वो कर लेंगे, और हमेशा चीटिंग धोखाधड़ी करते हैं, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर पैसा हमारा बराबर रख के कहते हैं जब आते हैं होटल में से अगले महीना आपको दे देंगे, और वो अगला महीना आता नहीं है। इनके मालिक हैं रितेश, वो बहुत बड़े धोखाबाज हैं, और मुझे पूरा भरोसा है ये जिस तरह से धोखाधड़ी की कंपनी है, धोखाधड़ी पूरे भारत में कर रही है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला होगा, और नीरव मोदी जैसा ही घोटाला होगा, और अरबों अरब रुपया, हजारों करोड़ रुपया लेकर के आदमी विदेश में व्यवसाय कर रहा है, और निश्चित रूप से कभी फरार होगा और ये गायब होकर के भारत से गायब होकर दूसरे देश में अपना रोजगार करने लगेगा। हम पटना के होटल मालिकों का एक ये था कि हमारा ये हिसाब कर दें, लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं हमारा हिसाब नहीं हो रहा है, हमारा हिसाब नहीं हो रहा है, ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम आके हिसाब करेंगे, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। हम जब आज हम सबों ने मिलकर के इनके दफ्तर पे आया, तो यहाँ दफ्तर पर नीचे से ही बंद किए हुए हैं, बाउंसर रख करके, गुंडा रख करके, गुंडा तत्व रखे हुए हैं, वहाँ बंद करा दिए कि आपको एंट्री नहीं करने देंगे, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये हमारा पैसा रखे हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, और धोखाधड़ी करके हमें हमसे मिलने तक को कतरा रहे हैं। हम लोग इनके दफ्तर में आए हैं, पटना का ओयो का हेड ऑफिस है ये, और इस हेड ऑफिस में हमें गार्ड से धक्का दिलवाया जाता है कि आप बाहर चलो, हम होटल के मालिक हैं, हम अपने पैसा और हिसाब के लिए आ रहे हैं। ये लगातार थाना को फोन करते हैं कि आप लोग आ करके इन लोगों को, ये लोगों को बाहर कराइए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक मिलीभगत हो रही है कि एक यहाँ रिटायर्ड डीएसपी हैं नरेश कुमार शर्मा, ये लगातार सबको फोन करते रहते हैं और धमकाने का काम करते हैं कि तुम्हारे ऊपर झूठा केस करा देंगे, मुकदमे करा देंगे। वो रिटायर्ड डीएसपी हैं और यहाँ लीगल एडवाइजर बने हुए हैं। एक जो यहाँ का हेड है अभिषेक अग्रवाल, वो धमकी देते रहते हैं। तो हम होटल मालिक निरीह हैं, हम तो एक अपने व्यवसाय से हमें बड़ा मुश्किल से समय मिल पाता है, और अगर ये ओयो कंपनी अगर भाग गया तो हम पटना के होटल के मालिक कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आज आए हैं कि भाई जब तक आप हमारा पैसा नहीं दोगे, जब तक यहाँ से हमारा पैसा नहीं दोगे, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं करवा रहे हैं आप लोग। हम लोग FIR भी लिखे हैं, पहले तो था कि हमारा हिसाब फाइनल कर दो, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग FIR भी लिख के रखे हैं, और हम लोग यहाँ पर अभी से धरना पे बैठ रहे हैं कि जब तक आकर के हमारा हिसाब नहीं करोगे, हमारा पैसा नहीं दोगे, हम लोग तमाम होटल के मालिक यहाँ से नहीं हटने वाले। पटना में कितने होटल्स हैं? यहाँ करीब 100 होटल है जो ओयो के साथ ये है, और जिसमें करीब करीब 40 होटल के मालिक हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनसे करोड़ों रुपया, एक होटल से 1-1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया ये रख करके बैठे हुए हैं। ये इतने बड़े फ्रॉड है कि समझ लीजिए कि पटना से करीब 50 करोड़ रुपया ये ठग करके रखे हुए हैं हम लोग के मालिक। तो उनके साथ जो टाइप है उसको आप लोग खत्म नहीं कर रहे हैं? हम लोग आज से टाइप खत्म कर, लेकिन पिछला हिसाब तो हम लोग का मिले, हिसाब तो करे तो वो तो आपका बढ़ता जाएगा ना। हम लोग खत्म कर रहे हैं, हम लोग आए हैं कि भाई हिसाब करो, हमें खत्म करो। कोई अवेलेबल है यहाँ जो हेड है? अवेलेबल है कोई? सारे लोग अवेलेबल है, लेकिन हम लोग रह रहे हैं, हम लोग 3 घंटा हो गया यहाँ आए हुए, 3 घंटा से रुकिए ना, एक मिनट, 3 घंटा से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग से नहीं मिल रहे हैं। ये उनका दफ्तर है, यहाँ वो बंद करके अंदर में सारे एम्प्लॉई यहाँ बैठे हुए हैं।